कोरोना वायरस की मार झेल रहे विश्व के अधिकतर देश इस वायरस के प्रकोप से अपनी जनता को बचाने के तमाम तरीके अख्तियार कर रहे हैं। भारत ने भी इस दिशा में अनोखी पहल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जनता कर्फ्यू लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस वायरस के कारण फैली वैश्विक महामारी के दौर में वो अपने प्यारे भारतवासियों से अपील करते हैं कि जनता एक दिन अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखे और बाहर न आए ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। देश की जनता ने भी अपने प्रधानमंत्री का पूर्ण रूप से सहयोग किया और अपने आप को अपने घरों में सीमित रखा। आप देश के तमाम हिस्सों से आ रही तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह सभी इलाकों की सड़कें एकदम सुनसान दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों की बात करें तो करोल बाग, रोहिणी जैसे तमाम इलाकों से सुनसान सड़कों और गलियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव से भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो कहा जा सकता है कि देश की जनता ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण रूप से एकजुट होकर इस वायरस से लड़ने में अपना सहयोग दिया है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब तक बहुत महत्वपूर्ण काम न हो अपने घरों में ही रहें और इस वायरस को खत्म करने में अपना योगदान दें। मैक्स हेल्थ केयर से हैं और हम तो एजदार लोगों के उसके काम के लिए तो हमें घूमना ही पड़ेगा। जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसका जो सैंपल है या लोगों को कोई तकलीफ या परेशानी है तो हमें तो एज द 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। एज द एमरजेंसी फॉर दिल्ली गवर्नमेंट रूल्स आया हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उन्होंने केयर करने के लिए बोला हुआ है। तो हम यही सोच रहे हैं कि अपना एक कर्तव्य होता है भारतीय होने के नाते देश के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप सब सतर्क रहें, इस बीमारी से डरने की चिंता नहीं है, पैनिक नहीं होना है। Thank you.